हेलो। हेलो सागर बोल रहे हैं? हाँ जी, सागर, मैं आरटीओ से बोल रहा हूँ। आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था ना? आपका लाइसेंस रिन्यू होना था। हाँ किया हाँ, था। एक सेकंड सर, मुझे आपसे कुछ इंक्वायरी करनी थी, कुछ सवाल करने थे सर। एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड होल्ड करिए। एज बताएंगे आपकी, एज क्या है? 28। 28 साल। सर एजुकेशन बता दीजिए मेरे को, आपने एजुकेशन में क्या क्या लिखना है? बी कॉम किया मैंने। बीकॉम। एक सेकंड सर, सर पूछ सकता हूँ आपने आर्ट्स से क्यों नहीं किया? आर्ट्स से कि पापा ने मना कर दिया। पापा ने मना कर दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एक सेकंड रुकिएगा सर। फैमिली के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं? कैसी बात कर रहे हो सर, फैमिली के साथ ही रहूंगा। नहीं, अकेले क्यों नहीं रहते आप? वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं, अकेले क्यों नहीं रहते? अकेले मम्मी ने मना कर दिया मम्मी ने मना कर अकेले दिया था। करने। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। अब मुझे ये बताइए, जब इतने खास लोगों ने आपको मना किया तो आपने अपनी जिंदगी रोकने नहीं दी और चलते रहे आप। एक लड़की ने आपको अगर मना कर दिया कि आपसे शादी नहीं कर सकती, तो जिंदगी क्यों रोक दिया आपने? क्योंकि पहले तो कभी नहीं रोकी। सागर, मैं आरटीओ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं नवेद बोल रहा हूँ। अब पता नहीं तुम जानते भी हो या नहीं जानते, आरजे नवेद बोल रहा हूँ। सागर फोन मत काटना, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। ये सागर, तुम्हारी तुम्हारी मम्मी ने हमें वॉइस नोट भेजा था। हेलो नवीन, मैं आपसे ना कुछ बताना चाह रही थी। मेरे बेटे की ना नौकरी छूट गई और दूसरे मैंने उसकी शादी होने वाली थी, तो उस लड़के ने मैंने उसको मना कर दी, जिस वजह से बहुत परेशान हो रखा है और उसका बर्थडे भी है आज। तो आप ना थोड़ा उसको फोन करोगे ना तो खुश हो जाएगा, थोड़ा उसका मन भी बेहतर रहेगा। सागर, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जिंदगी अगर इतनी आसान होती ना, रोकनी हमारे हाथ में होती, तो तुम जब भी रोक सकते थे, जब तुम्हारे पापा ने मना कर दिया था कि ये कोर्स मत कर, तुम जब भी रोक सकते थे, जब तुम्हारी माँ ने मना कर दिया था कि तू अकेला मत रहे, जब तो नहीं रोकी। इस बात का मुझे मालूम है कि तुम्हें एहसास हुआ होगा जब लड़की ने मना कर दिया, लेकिन लड़की के मना करने के बाद जिंदगी क्यों रोक देते हैं हम? क्यों ऐसे मायूस बैठे हो तुम जिंदगी को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे यार? सागर, सागर रो मत। बात सुनो, देखो अगर तुम रोगे ना तो फिर से एक बार दोबारा रुकेगी जिंदगी। और तुम्हारी मॉम का वॉइस नोट में लास्ट में एक चीज है, तुम्हारा बर्थडे भी आज। हेलो। हाँ सर। सागर, तुम्हारा बर्थडे आज। सर कोई है ही नहीं बर्थडे मनाने के लिए। अरे किसने कहा कोई है नहीं बर्थडे मनाने के लिए? एक सेकंड रुको यार, ये तुषार, तुषार ये हमारी टीम का क्रिएटिव आदमी है यार। हाँ, ये हीरो बन गया है। ये तुम्हारा बर्थडे मनाने का। अनु आना, जरा आना, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी से। अनु देखो, ये हमारा कैमरामैन कबीर, ये देखो, ये सारे वीडियो कबीर बनाता है यार, सब वीडियो कबीर बना, हम सब मिलके बना रहे हैं। एक काम करो, तुम कहाँ बैठे हो अभी? घर पर। अपने कमरे में बैठे हो? हाँ सर। यार क्यों मायूस हो रहे हो? एक लड़की ने मना किया है ना, इससे सीखो तुषार से। कितनी लड़कियों ने मना किया तुमने? 20 से 25 लड़की। बार बार क्या, हर बार क्या बोलती है लड़कियां? अब देखो कहां से शक्ल लेके आया अच्छी। अब लेकिन सुनो, इसने हिम्मत नहीं आ रही, ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ के अब क्या कर रहे हो तुम? उनसे भी रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा। कबीर को देखो, कबीर को तो तुम काश देख रहे होते तो खुद ही कह देते कि रिजेक्ट हो गया, ये हुआ ही होगा, है ना? हिम्मत नहीं हारनी है। एक काम करो, मुझे मालूम है तुम्हारे आसपास केक तो है नहीं, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने बताया तो हम बनाएंगे। मेरे कहने से एक फूंक मारो, जोर से फूंक, ऐसे फूंक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सागर, हैप्पी बर्थडे टू यू। सागर एक काम कर दो, बस एक रिक्वेस्ट है, जाके अपनी मॉम को हक करो यार, बर्थडे मनाओ। अभी जाओ, हाँ हाँ, थैंक यू मत बोलो मुझे, उनको बोलो जाके, जाओ जाओ, बर्थडे मनाओ। ऑलराइट, बाय 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 बाय।